हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा दुबे रायपुर से। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अराउंड अनुराधा। आज हम लोग जाने वाले हैं भिलाई, तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग शूट करती हूं, आपको खूबसूरत रास्ता दिखाऊंगी। शाम के समय जाएंगे तो सनसेट का व्यू भी मिलेगा और भिलाई स्टील प्लांट भी दिखने वाला है रास्ते में। भिलाई लगभग एक घंटे का रास्ता है, बीच में ट्रैफिक मिलने के कारण हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, पर हम रायपुर से चरोदा होते हुए भिलाई जाएंगे तो चरोदा में लगे हुए सोलर पैनल्स भी दिखेंगे आपको। चलिए चलते हैं। हम लोग निकल गए रायपुर से भिलाई के लिए, लगभग 6:45 बजे निकले हैं। 40 किलोमीटर्स का रास्ता है, देखते हैं कितने टाइम में पहुंचेंगे, क्योंकि कई बार बीच में ट्रैफिक जाम हो जाता है क्योंकि रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये तो रिंग रोड है रायपुर का, तो बहुत अच्छा रोड है, तेली बांदा से टाटी बन डायरेक्ट कनेक्ट करता है और सारे ओवर ब्रिजेस बन गए हैं तो कहीं पे भी जाम नहीं होता है, इससे हमारा टाइम बहुत सेव हो जाता है। ये देखिए सनसेट का व्यू, बादलों के बीच में सन दिख रहा है, बहुत खूबसूरत रास्ता दिख रहा है। शाम के समय ट्रेवल करने की बात ही अलग है। रास्ते में आपको दिखाते जाऊंगी कहाँ पे आपको अच्छा रास्ता मिलेगा, कहाँ आपको टाइम लगेगा, ये सब आपको देखने मिलेगा। हम जाएंगे रायपुर से कुमारी, कुमारी से चरोदा और चरोदा से भिलाई। चरोदा में लगे हैं सोलर पैनल्स, वो भी दिखाऊंगी आपको। चलिए चलते हैं। हम लोग भिलाई एक छोटा सा फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं। एक्चुअली हमारे घर में एक छोटा सा नन्ना मेहमान आया है, मेरा भाई है भिलाई में, उसका बेटा हुआ है। तो हमारे घर में दशटौन होता है जिसमें बुआ काजल लगाती है, झूले में झुलाती है, तो मैं बन गई हूँ बुआ और मैं जा रही हूँ भिलाई। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं टाटी वन। अभी तक तो बड़े आराम से आ गए, सिर्फ 15 मिनट में यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन अब हमें मिलने वाला है जाम। यहाँ पे हमेशा रोड कंस्ट्रक्शन में ही रहती है, पता नहीं है कब बनने वाली है। पिछले 5-6 साल से ये बन रहा है, बन रहा है और बन ही रहा है, और मुझे लग रहा है ये अगले 5-6 साल और बनता रहेगा। पता नहीं कब इसका कंप्लीशन होगा। बहुत ही बुरे हालात हैं इस चौक में ट्रैफिक को लेके। आप देखिए किस तरह से जाम लगा रहता है, कभी भी आओ, सबसे बड़ा टफ टाइम है यहाँ का टाटी वन चौक क्रॉस करना। चौक क्रॉस किया, इसका मतलब हम शहर के बाहर निकल गए। उसके बाद फिर हमारी राइड स्मूथ हो जाएगी। अब हम लोगों ने टाटी बन क्रॉस कर लिया है और बढ़ गए हैं आगे। ये आप देख सकते हैं, ये टाटा का शोरूम है। यहाँ लाइन से दोनों तरफ शहर के सारे गाड़ियों के शोरूम हैं।
जैसे जैसे दिखेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा जेसीबी का शोरूम, इसके आगे चलते हैं तो एक किया का शोरूम, नेक्सस सर्विसेज है और इस साइड है वॉल्वो। शहर के सारी गाड़ियों के शोरूम्स यहीं पर हैं। अब हम लोग आ गए खारून नदी के ब्रिज पर। ये नदी रायपुर और भिलाई के बीचों बीच है। अभी आपको इतना अच्छा व्यू दिखेगा, वहाँ से ट्रेन का ब्रिज दिख रहा है आपको और आज इत्तेफाक से ट्रेन भी जाते हुए दिख रही है। वाओ, अब हम आ गए चरोदा। ये भिलाई का एक पार्ट है। यहाँ पे बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगा है, ये रेलवेज के लिए लगा है और ये लगभग 122 हेक्टेयर ज़मीन पर लगा है। इससे रेलवेज काफ़ी पैसे सेव कर सकती है और ग्रीन एनर्जी को बूस्टअप करने के लिए ये प्लांट लगाया गया है। बहुत ही अच्छी सोच है, इसकी कैपेसिटी लगभग 50 मेगावाट है। शाम के बज गए हैं 6:30 और अभी हमें आधा घंटा और लगने वाला है अकॉर्डिंग टू नेविगेशन। चलिए चलते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है इतना बड़ा प्लांट, ये है बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट। मैंने कुछ इमेजेस भी डाली हैं, बहुत ही बड़ा प्लांट है ये। अब हम लोग पहुंच गए भिलाई, तो हम जाएंगे फंक्शन में, फिर लौटते मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ।
ये लीजिए, अब हम वापस निकल पड़े रायपुर की तरफ। अब ट्रैफिक कम हो गया है। ये कितना सुंदर गार्डन दिख रहा है। ये एक सुंदर सा गार्डन बन गया है, मैंने अभी देखा। तो हम पहुंच गए रायपुर वापस। ये रहा महिंद्रा का शोरूम और बाकी भी शोरूम जो इस लाइन में है, जाते वक्त मैंने उधर से दिखाया था आपको। अब हम फिर से पहुंच गए हैं उसी ट्रैफिक वाली जगह में। ये साइड में निकला डी मार्ट, ये रायपुर का है, और जाते वक्त जो मिला था वो भिलाई का था। रायपुर में ऐसे बहुत सुंदर से ब्रिज बने हैं धनुष बाण की तरह, इवन पूरे छत्तीसगढ़ में। तो अब हम पहुंच गए तेलीबांधा, अब हम जाएंगे घर। चलिए फिर मिलते हैं। अब हम आ गए हैं घर वापस। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।